हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो ये जो वीडियो है स्पेशली एक बच्चे के लिए है जिसका कल एग्ज़ाम है। तो उस बच्चे ने स्पेशली मुझसे बोला था, सर एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है सर, वो मुझे फिर से बता दीजिए, वो मुझे नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, मैं उसको आपको फिर से बता देता हूँ। वन तो मैंने करा दिया था, स्पेशली आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन नंबर टू पूछा है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर टू है बहुत इजी, क्या करना है बस ध्यान से समझना। यहाँ देखो, हमें पता है कि जब माइनस का मल्टीप्लाई हम माइनस से करते हैं तो रिजल्ट हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक, अब आप इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ माइनस 2/7 इंटू माइनस 21/15, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो वो बदल जाएगा प्लस में, किस में बदल जाएगा, प्लस में, और बचा आपका 2/7 इंटू 21/15। ठीक है बेटा, अब देखो, अब ये चेक करेंगे क्या ये कोई आपस में कट रहे डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर। तो देखो यहाँ पे 7 1 7 और 7 का 3 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 7 3 21 कट गया। अब बचा क्या आपके पास, 2/1 इंटू 3/15। अब यहाँ पे देखो तो 3 1 3 और 3 5 15 कट गया, तो अब क्या बचा, अब बचा केवल 2/1 इंटू 1/5। तो मल्टीप्लाई करना है तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई तो 2/5, ये हो जाएगा 2/5। ठीक है, तो बस सिंपल था, इतना ही इसमें करना था और इसमें कुछ भी करना नहीं था। तो बेटा आपके लिए ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से कि कल आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, और जो भी बच्चों का जो डाउट हो, जिस रिगार्ड क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाउट हो, वो थोड़ा सा अर्ली मेरे से पूछेंगे क्योंकि अब मेरे पास नोटिफिकेशन टाइमली आ नहीं पाता, थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, बट जैसे मेरे पास आता है वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उसका सलूशन बना के दे सकूँ। ठीक है बेटा जी, तो चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।